नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP Talks में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कमेंट्स के जरिए कि मैं आपको जो ऑफिस में नोटिंग की जाती हैं और ड्राफ्टिंग की जाती है उस पर भी मैं आपको प्रकाश डालूं। तो उसी संदर्भ में आज का वीडियो मैं इसी उद्देश्य से आपके सामने लेकर आया हूँ कि मैं आपको नोटिंग के बारे में कि ऑफिस में नोटिंग कैसे की जाती हैं और ड्राफ्टिंग की जाती कैसे की जाती हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे नोटिंग का प्रारूप दिखा रहा हूँ। ये हिंदी की नोटिंग है दोस्तों और ये अंग्रेजी की नोटिंग है। दोनों प्रकार से आप नोटिंग सेम मेथड है, दोनों का सेम मेथड से कर सकते हो, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अब ये हिंदी में क्यों दिखा रहा मैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य होना चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम कॉरेस्पोंडेंस जो होती है वो सरकारी कार्यालयों में हिंदी में ही, हरियाणा सरकार के कार्यालयों में हिंदी में नोटिंग की जाती है और पत्राचार भी हिंदी में किया जाता है। अब देखिए, ये हिंदी में शुरू किया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेषक, प्रेषक लिखेंगे। यहाँ पर प्रेषक का मतलब है जहाँ से आया पत्र, भेजने वाला, सेंडर, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से पत्र आया था ये, और इसका पत्र क्रमांक क्या है फिर हम ये लिखेंगे। इसके बाद विषय, विषय इस पत्र का क्या है कि ग्रुप जो POC हम डील कर रहे हैं, ग्रुप सी कर्मचारियों के सर्विस का रिकॉर्ड HRMS पर अपलोड करने बारे, मान लो ये सब्जेक्ट है, ये काल्पनिक सब्जेक्ट है, मैं काल्पनिक ही नोटिंग है ये। इसके बाद इसको यहाँ क्लोज कर दिया जाता है ये निशान लगा कर, वो इसलिए कि पहले हाथ से नोटिंग की जाती थी, अब भी मैक्सिमम हाथ से भी होती है लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर टाइपिंग से ही कर लेते हैं। यदि आप हाथ से करते हैं तो ये जो पोर्शन है ये लाल सही में होना चाहिए, कंप्यूटर में तो लाल सही होती नहीं, वो एक ही प्रकार की इंक यूज होती है, ब्लैक। तो इसलिए अब ये नोटिंग हमने इतनी कर ली, इसके पश्चात यहाँ से सही नोटिंग, तो यही क्योंकि ये तो एक रेफरेंस दिया गया, यहाँ से सही नोटिंग शुरू होगी। जो असिस्टेंट हैं या कहीं क्लर्क भी नोटिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर ऑफिस में असिस्टेंट नौकरी नोटिंग करते हैं, ये जो पोर्शन है क्लर्क पुटअप करते हैं, वो रिकॉर्ड कीपर होते हैं उनके, वो ये पुटअप कर देते हैं उनको लेटर के ये POC हैं, अब उनकी नोटिंग वो असिस्टेंट करते हैं, कैसे वो लिखते हैं या के विषयों के संदर्भ में पत्र मुख्य सचिव हरियाणा सरकार हरियाणा चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निम्नलिखित सूचना मांगी गई है। जो इस पत्र में उन्होंने पूछा है वो सूचना जो है इसमें दे दी जाती है असिस्टेंट के द्वारा, कि क्या क्वेश्चन किया था उसने कि जी ये सूचना हमें चाहिए वो भेज दो। इसके पश्चात ये सूचना जो है, ये सूचना जितनी भी मांगी गई, ये जो मैं बॉक्स दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये जो बॉक्स है इस जगह वो सारी सूचना दर्ज कर देंगे कि उनका क्वेश्चन क्या है, क्या मांगा जा रहा है। इसके बाद अतः यह सूचना इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार तैयार कर दी गई है, जो कि इस प्रकार है। अब ये जो नीचे जो दूसरा बॉक्स है, जो क्वेश्चन ऊपर था, ये बॉक्स नहीं बनाने, बॉक्स तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस जगह लिखना है, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहां लिखेंगे आप, वो अपने रिकॉर्ड के अनुसार जो कुछ भी पूछा गया है, जो कुछ भी सूचना मांगी है, किसी एम्प्लॉय की मांगी है या किसी प्रोजेक्ट पर मांगी है या कार्यालय से संबंधित मांगी है या कोई और सरकार के द्वारा कोई उत्सव मनाया जा रहा है, जो भी है वो ये प्रश्न हो गया, ये उसका उत्तर तैयार कर दिया रिकॉर्ड के अनुसार। रिकॉर्ड में पहले अवेलेबल नहीं है तो अपने अधिकारी गणों से डिस्कस करके वो यहाँ पे उसका उत्तर लिख देना है, और अंत में फिर यदि अधिकारीगण सहमत हों तो उक्त सूचना, कौन सी, ये जो हमने तैयार करी है, ये सूचना जो तैयार करी है, ये उक्त सूचना संबंधित कार्यालय को भिजवा दी जाए, और लास्ट लाइन जो होगी उसमें क्या है, अतः मामला, ये प्रस्ताव है किसका, असिस्टेंट का, अतः मामला स्वीकृति हेतु पब्लिक आदेशार्थ प्रस्तुत है, किसके, ये जो लेवल लिखेंगे यहाँ, लेवल लिखेंगे फिर किस अमूमन क्या होता है कि जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं उन्हीं का लेवल होता है, ये उन्हीं का लेवल दिखाया जाता है कि ये
इनकी हमें अनुमति चाहिए। तो ये फिर हम लाट में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा कौन, असिस्टेंट, असिस्टेंट अपने हस्ताक्षर करेगा यहाँ पे ये, और किसको मार्क कर देगा, अपने सीनियर को जो अधीक्षक उसका इंचार्ज बैठा है, ब्रांच इंचार्ज, अर्थात इसने साइन किए और इसको पुटअप कर दिया। ये फिर आगे अपने निदेशक को भेजेगा, निदेशक ये जो लेवल हमने दिखाया ना यहाँ पे, ये लेवल, ये हाशिए में दिखाया जाता है, जो आप नीली लाइन देख रहे हैं ये, इस लाइन के हाशिए में लेवल लिखा जाता है, किसकी अनुमति चाहिए, किस लिए, ये जो हमने स्वीकृति आदेश लिखा था, इस अधिकारी की हमें अनुमति चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ ऑफिस की अनुमति से ही सारा रिकॉर्ड बाहर जाता है। तो ये इस लेवल तक फिर फाइल जाएगी, और इस लेवल तक जाने के लिए कैसे होता है, ऐसे चलती है हस्ताक्षर, और ये डाउन होती है फाइल इस तरह, अर्थात लेफ्ट टू राइट साइन होते हैं ऊपर जाने के लिए फाइल को, और राइट टू लेफ्ट होते हैं नीचे आने के। लास्ट में असिस्टेंट के पास फाइल आ गई, वो इसका आगे प्रारूप बनाएगा, ड्राफ्टिंग करेगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे वो ड्राफ्टिंग करेगा और कैसे जो है ना आगे ये फाइल चलती है। इसी तरह दोस्तों ये अंग्रेजी में सेम बात है, क्या फ्रॉम कहाँ से आया है, चीफ सेक्रेटरी से, हरियाणा सरकार चंडीगढ़, मेमो नंबर वही अपलोडिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय टू एचआरएमएस, सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ क्वेश्चन लिख देना है और आगे नीचे आंसर लिख देना है, कहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया, लैंग्वेज वही है, द अबव रेफर्ड पीयूसी ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव रिसीव्ड फ्रॉम सीएसआर हरियाणा, वेर इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन डिजायर्ड टू बी सेंट बाई दिस ऑफिस, कौन सी, जो प्रश्न उसने किया है, जो मांगा है, वांछित सूचना है, वो यहाँ पे है, और फिर कहा द सेम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एंड प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ दिस ऑफिस विच इज एज अंडर, यहाँ पे हमने वो तैयार कर दी, जैसे हिंदी वाले नोटिंग में तैयार की थी पीछे, वो यहाँ कर दी, आगे लास्ट में फिर वही हम लिख रहे हैं, इफ ऑफिसर जैगरीज द सेम मे बी सेंट टू द क्वार्टर कंसर्न्ड एज डिजायर्ड, और लास्ट में सबमिटेड फॉर अप्रूवल पब्लिक ऑर्डर प्लीज, किसके किसके ऑर्डर चाहिए हमें, जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे बॉस हैं उनका हम यहाँ लेवल दिखाते हैं, ये हाशिए में ये लेवल दिखाया कि किसका, डायरेक्टर का लेवल है, और असिस्टेंट ने फाइल तैयार करी थी, अपने इमीडिएट इंचार्ज को भेज दी स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने आगे डायरेक्टर को भेज दी, डायरेक्टर ने डाउन कर दी स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने डाउन कर दी असिस्टेंट को, इसी तरह ये डाउन फाइल हो गई। और अब क्या करेगा असिस्टेंट, असिस्टेंट इसकी आगे ड्राफ्टिंग करेगा, वो कैसे करेगा, देखिए हिंदी में, प्रेषक निदेशक और अब प्रेषक बदल गया, अर्थात सेंडर बदल गया, पहले तो सेंडर चीफ सेक्रेटरी था, अब सेंडर हम हो गए, जिसने जवाब भेजना है सेंडर हम हो गए, और ये है सेवा में किसको जवाब भेजना है, मुख्य सचिव को जवाब भेजना है, ठीक है। अब मुख्य सचिव को हम, ये हमारा पत्र नंबर है हमारे दफ्तर का, और विषय वही लिखना है जो चीफ सेक्रेटरी के लेटर में लिखा आया था, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, कृपया आपके पत्र क्रमांक कितने दिनांक कितने के संदर्भ में, अर्थात काइंडली रेफर टू योर ऑफिस मेमो नंबर इतना, डेटेड इतना, अंग्रेजी में ये लिखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको आगे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ये अंग्रेजी में हो गया, काइंडली रेफर टू योर लेटर ऑफिस, योर ऑफिस मेमो नंबर इतना डेटेड इतना ऑन दी सब्जेक्ट साइटेड अबव, ये हम सारा जो हिंदी में लिखा वो अंग्रेजी में सेम टू सेम है, आगे अंग्रेजी में क्या लिखा, द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन इज सेंट विद एज अंडर, जो हमने अप्रूवल ली थी अपने बॉस की, वो जो क्वेश्चन तैयार किया था, ये कौन सा वाला, ये वाला हिंदी में ये किया था हमने, ये वाला जो मांगी गई सूचना थी तैयार कर दी थी, क्योंकि इसके अप्रूवल ले लिया हमने, यही बात हमने वहां लिखेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लिखेंगे, जो कुछ हमने अप्रूवल ली है उसी के अनुसार हम आगे लेटर लिखेंगे कि जी आपके कार्यालय के द्वारा उपरोक्त विषय पर मांगी गई सूचना निम्नानुसार
आपके सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। कौन सी? ये सूचना जो आपने मांगी थी, वो जो ये वो है जिसकी हमने अप्रूवल लिए। अपनी तरफ से यहाँ कुछ ऐड नहीं करना, जो अप्रूवल जो प्रस्ताव हमने पास करा लिया है वो ही हमने लिखना है। आगे हस्ताक्षर, अब बॉस के हस्ताक्षर नहीं होते, कृते फोर करके सुपरिटेंडेंट साइन कर देगा क्योंकि अप्रूवल हमने ले ली। फोर करके साइन करने का मतलब है हमने अपने कंपिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी ले ली है, उसके व्याप पर, कृता का मतलब है इनके व्याप पर हम ये लेटर भेज रहे था, ये मंजूरी हो चुकी है। जहाँ पे मंजूरी नहीं लेती ली जाती वहाँ पे हम कृते नहीं लिखते, वहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट साइन करवाते हैं या तो अफसर इंचार्ज के या फिर सुपरिटेंडेंट भी अपने लेवल पे वो सूचना भेजते हैं जिनकी फाइल जिनका चैनल सुपरिटेंडेंट तक ही सीमित होता है, सिर्फ वो ही फाइलें हम सुपरिटेंडेंट से कराते हैं। तो ये दोस्तों एक मैंने आपको कैसे नोटिंग की जाती है और कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है वो मैंने आपको बताया। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर अवश्य करें, और मेरे चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए नए जुड़े हैं वो तुरंत सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा करके। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।